असउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उनकी उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं, यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है, वह भी खड़ा होगा, वह भी इन सब चीजों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया कि जनता का रुझान क्या है। लेकिन इस बार उन्होंने राजभर साहब को भी साथ ले लिया है। हाँ ठीक बात है, उसको सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हर एक दल को अपने साथ लेने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी ले रही है तो ओबीसी क्यों नहीं लेंगे? समाजवादी पार्टी को तो तकलीफ है, वो कहते हैं ओबीसी जो है वो हमारा वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए वोट किसका है, यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाते हैं कि वो ओबीसी साहब बीजेपी के आदमी है। भाई तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। आप अपना मुकाबला 2022 में किसके साथ देखते हैं? अखिलेश जी के साथ देखते हैं, मायावती जी के साथ देखते हैं, प्रियंका वाड्रा के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं? हालांकि राजभर साहब तो थ्योरी लेके आए हैं, पांच साल में पांच मुख्यमंत्री बनाएंगे, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक मुसलमान सीएम भी होगा। ठीक ही बात है भाई, हरेक को अपना मुकाबला कैसे देखते हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, देखिए अपने पुराने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से ही होगा कि बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे बेहतर सीटें कैसे जीत सकती है। वहां तक ये लोग कोई पहुंच नहीं पाएगा। पंचायत चुनाव के रुझान पहले बता चुके हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव ने बता चुके वो कर, ये सब देखिए थके हुए हारे हुए चेहरे हैं, ये लोग पहले ही हिम्मत हार चुके हैं, इसलिए अनर्गल कुछ भी बोल दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बड़ी बड़ी चुनौती कौन हो सकता है, या फिर एक चेहरा जो आपको लगता है जिसके साथ मुकाबला है? देखिए पब्लिक सबके कृत्यों को जान रही है, हर व्यक्ति की जान रहा है, परिवारवाद, गुंडा राज, भ्रष्टाचार, ये चीजें देख करके जनता में अपने आप में एक सेहरन होती है। देख करके यूपी के सामने अपनी पहचान का संकट था, आज यही यूपी हर एक फील्ड में जो प्रोग्रेस कर रहा है, एक नई पहचान बना रहा है,